हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे देश में हर रोज़ लगभग 500 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं और इस रोड एक्सीडेंट के अंदर कई बार कुछ लोग जान भी गंवा देते हैं। इसके अलावा इन रोड एक्सीडेंट के कारण कई लोगों को परमानेंट डिसेबिलिटी भी आ जाती है। अब अगर किसी का रोड पर चलते हुए या फिर कोई व्हीकल चलाते हुए किसी दूसरे पर्सन के नेग्लिजेंट एक्ट के कारण एक्सीडेंट होता है और ऐसी कंडीशन में उस पर्सन को चोट लगती है, तो उसके पास कानूनन क्या क्या अधिकार हैं और कानून में उसको क्या क्या सुरक्षा प्रोवाइड की गई है, आज इस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने रोड एक्सीडेंट को लेकर के मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पारित किया हुआ है। इस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर अगर कोई पर्सन किसी नेग्लिजेंट एक्ट के अंदर रोड पर दुर्घटना करता है तो उस पर्सन से कंपनसेशन वसूला जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन रोड पर गलत तरीके से वाहन को चलाता है और उसके कारण किसी को चोट लगती है तो उस पर्सन के खिलाफ जो रोड पर गलत तरीके से वाहन को चला रहा है क्रिमिनल कार्यवाही भी होती है। अब क्रिमिनल कार्यवाही क्या होती है और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आप कंपनसेशन कैसे वसूल सकते हैं, ये आप सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिमिनल कार्यवाही उसके खिलाफ क्या होगी। अब मान लीजिए रोड के ऊपर कोई पर्सन स्कूटर से या मोटरसाइकिल से या फिर गाड़ी से किसी पर्सन को चोट पहुंचाता है और ऐसे में ये देखा जाता है जब वो गाड़ी स्कूटर या मोटरसाइकिल चला रहा होता है उसने उसको गलत तरीके से चलाया और उसके गलत तरीके से वो व्हीकल चलाने के कारण किसी पर्सन को चोट पहुंची, तो सबसे पहले ऐसी स्थिति के अंदर अगर उस पर्सन के खिलाफ FIR होती है तो उसमें जो पहला सेक्शन ऐड होता है वो होता है 279 IPC। अब 279 IPC की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत उस पर्सन के खिलाफ एक क्रिमिनल कार्यवाही स्टेट केस चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत उसको 6 महीने तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब इसके अलावा अगर कोई पर्सन रोड पर गलत तरीके से वाहन चलाता है और उसके गलत तरीके से वाहन चलाने के कारण किसी पर्सन की हड्डी टूट जाती है या ज़्यादा चोट लगती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 279 IPC के साथ साथ सेक्शन 337 IPC भी उस FIR के अंदर ऐड हो जाएगा और इस कंडीशन में उसको 6 महीने की फर्दर और सज़ा सुनाई जा सकती है। अब अगर मान लीजिए ऐसे एक्सीडेंट के अंदर किसी पर्सन को ऐसी चोट पहुंचती है जिससे उसका जान जाने का खतरा हो सकता था तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 279 तो लगेगा ही दोस्तों, साथ में सेक्शन 338 IPC भी उस FIR के अंदर ऐड हो जाएगा और इस सेक्शन 338 IPC के अंदर अगर किसी पर्सन को पुलिस के द्वारा बुक किया जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस पर्सन को 2 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब ये तो हमने बात करी अगर कोई पर्सन रोड पर गलत तरीके से वाहन चलाता है और उसके कारण किसी को चोट लगती है या हड्डी टूट जाती है या ऐसी चोट लगती है जिससे जान जाने का खतरा हो तो IPC के सेक्शन 279, IPC का सेक्शन 337, IPC का सेक्शन 338 लगता है। अब हम बात करते हैं अगर ऐसी दुर्घटना के अंदर किसी पर्सन की जान चली जाती है तो उस कंडीशन में सेक्शन 279 IPC के साथ साथ सेक्शन 304A IPC का भी ऐड हो जाएगा और उस कंडीशन में उस पर्सन को 2 साल तक की सज़ा और हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी अगर आप किसी भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की बात करते हैं और आप कानूनी कार्यवाही की बात करते हैं तो क्रिमिनल केसेस के अंदर IPC के सेक्शन 279, IPC का सेक्शन 337, IPC का सेक्शन 338 और IPC के सेक्शन 304A की बात होती है। और ये सारे के सारे सेक्शन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ, ये सारे के सारे सेक्शन बेलेबल ऑफेंस हैं। इन सेक्शंस के अंदर किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर वो आपको थाने में बुलाती है तो आप जाइए उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, ऐसे सेक्शन के अंदर आपको थाने से ही बेल बॉन्ड भर के छोड़ दिया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक्सीडेंट किया है वो आपकी नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण हुआ है या फिर वो पर्सन जो रोड पे चल रहा था उसके गलती से हुआ है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। और अगर ऐसी कंडीशन के अंदर आप भागते हैं तो उसमें आप अपने लिए ज़्यादा मुसीबत क्रिएट करते हैं। तो आप कभी भी अगर कोई व्हीकल चला रहे हैं रोड पे और किसी कारण से भी एक्सीडेंट होता है तो कोशिश कीजिए जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, जिसको चोट लगी है,
उसको आप असिस्टेंट प्रोवाइड कीजिए, उसको फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाएं, घबरा करके वहाँ भागने से आपका ही नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी, सड़क दुर्घटना में अगर कोई पर्सन गलत तरीके से वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ क्या क्या क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। अब हम बात करते हैं जिस पर्सन को चोट लगी है और उसके चोट लगने के कारण उसको फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं, क्योंकि उसके चोट लगने के कारण उसको अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर करने पड़े। इसके अलावा उसके जॉब के नुकसान हुए, अगर वो बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस में नुकसान हुआ। तो इन सारी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ट्रिब्यूनल के सामने अपना केस फाइल करके ऐसे पर्सन से कंपनसेशन को वसूल सकता है। अब ये कंपनसेशन कौन देगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी हम ट्रिब्यूनल के सामने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर क्लेम मांगते हैं और वहाँ पर जाकर के हम कंपनसेशन मांगते हैं, अगर जिस व्हीकल ने, जो ऑफेंडिंग व्हीकल होता है जिसने एक्सीडेंट करा है, अगर वो व्हीकल इंश्योर्ड है तो ऐसी कंडीशन के अंदर सारा का सारा कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है, और अगर वो व्हीकल इंश्योर्ड नहीं है तो इस कंडीशन के अंदर इस कंपनसेशन को गाड़ी चलाने वाले को और गाड़ी के मालिक को पे करना होगा। अब दोस्तों ये कंपनसेशन डिसाइड कैसे होता है, इस कंपनसेशन को डिसाइड करने के लिए जिस पर्सन के चोट लगी है उसके कितने मेडिकल एक्सपेंडिचर हुए हैं ये सारे देखे जाएंगे, वो कितना कमाता था, जो उसके उस कमाई को ना करने के कारण नुकसान हुए ये उसके अंदर कैलकुलेट करे जाएंगे, उसकी कितनी एज है और उसके जो चोट लगी है वो किस तरह की डिसेबिलिटीज उसको आई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इन केसेस के अंदर जिस पर्सन को सड़क दुर्घटना में चोट लगती है उसको कई बार परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती हैं, और वो डिसेबिलिटी के कारण उसको अपनी ता जिंदगी के अंदर कमाई करने में समस्या होती है। तो इन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है और कोर्ट के द्वारा जब क्लेम डिसाइड करे जाते हैं ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि उसके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं, तो इन सारे फैक्टर्स को देख करके, कैलकुलेट करके उस पर्सन के क्लेम को डिसाइड किया जाता है। और ये क्लेम अगर गाड़ी इंश्योर्ड होती है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, और अगर गाड़ी इंश्योर्ड नहीं होती है तो फिर गाड़ी को चलाने वाला और गाड़ी के मालिक को इस तरह के कंपनसेशन को चोट लगने वाले पर्सन को देना पड़ता है। और अगर ऐसा क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा डिसाइड होता है और इस क्लेम को कोई पर्सन चैलेंज करना चाहता है तो उसको हाई कोर्ट के अंदर ही अपील लगानी होगी, और ये अपील उनको ये क्लेम डिसाइड होने के एक महीने के अंदर अंदर फाइल करनी होती है। तो दोस्तों कभी भी सड़क दुर्घटना की बात आती है तो अपने राइट्स को ज़रूर जान लें, और आप अगर कंपनसेशन लेना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 166 के अंदर आपको केस डालना पड़ेगा, और जिसके अंदर आप अपने सारे मेडिकल एक्सपेंडिचर को और आपके उस एक्सीडेंट के कारण हुए सारे नुकसानों को कंपनसेशन के रूप में वसूल सकते हैं। तो अगर आपका भी इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके कानूनी अधिकारों को लेकर के आपके साथ जुड़ता रहूँगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।